जैसे यहाँ पे लिखना है उतना ही सिंपल है। और जैसे आप रफ करने के लिए वहाँ पे डस्टर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप हाथ के थ्रू डायरेक्टली रफ कर सकते हैं, आपसे वहाँ पे हाथ घुमाइए आप इसको रफ कर सकते हैं। या आप अगर पूरा रफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली रबर सेलेक्ट करके इसको प्रेस करिए एंड आप पूरा भी साथ में रफ कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया। अब अगर मैं कुछ चीज इसमें लिखना चाहता हूँ या मैं कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे और मुझे लगता है कि मेरी स्पेस कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको कंटेंट को ड्रैग करके साइड में सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग और वापस से नई चीज हम लोग लिख सकते हैं, या अगर मुझे स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं नए पेजेस भी ऐड कर सकता हूँ। हम लोग एन नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्लस दबा दिया, यहाँ पे आपके एक और पेज ऐड हो गया। इस टाइप के हम लोग ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे अलग से और लिख सकते हैं। और हम लोग बैक स्पेस पे स्विच होना है तो सिंपल क्लिक करके हम लोग पेज स्विच कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ के जो कंटेंट्स है ये डायरेक्टली किसी मोबाइल में आ जाना चाहिए या एज अ पीएनजी फाइल सेव हो जाना चाहिए, ऐसा एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए पीडीएफ के थ्रू, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको सेंड मेल का ऑप्शन मिलेगा, ये सेम फाइल आप मेल भी कर सकते हैं, आप सेव एज पीएनजी आप ऐसे फोटो इसको स्टोर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ कर सकते हैं, या तो फिर सेंड टू फोन अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और ये क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करेंगे तो ये जितना भी कंटेंट आपने बताया है मल्टीपल पेजेस पे, हम लोग पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन से देना है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया